Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DW Ball Bharat Vlog YouTube channel. भाई आज का ब्लॉग है, ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं मेरे सर के पास तकिए पास कटोरा है, कटोरे में चना मैंने भून के रखा है और रात के समय इस समय जो टाइमिंग हो रखा है 9:10 रात का वक्त है। मैं इस समय हूँ बनबसा, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट हुआ उत्तराखंड इंडिया में। तो भाई काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो, बाकी शॉर्ट वीडियो तो मैं डालता ही हूँ एक एक दो दो दिन छोड़कर। और रात को खाने का बंद कर रहा था तो मैंने उठा, पहले तो कच्चे चने खाए, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भून के खाता हूँ, मैं बचपन में बहुत खाया ऐसा चने मक्के। और अगर पहाड़ी हैं उत्तराखंड के तो पहाड़ में एक भट्टे होता, भट्टे को भून के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भाई मेरे चने के साथ एंजॉय कीजिए और मन करे तो चना घर पे होता ही है या फिर लाकर, चना हो गया, मक्का हो गया, सूखा मक्का, मकई भी बोलते कई लोग, और भट्टा अगर है तो तीनों को मिक्स करके मिला के ना भून करके खाने में बहुत स्वाद आता है। तो भाई मैं खा रहा हूँ, आप लोग देखिए एंजॉय करिए और मन करे तो अब यहाँ तो आएंगे नहीं कैमरे के अंदर, तो वीडियो में तो आएंगे नहीं, आप लोग घर पे भून के खा लीजिए आप लोग भी। आज भी याद आता है मुझे, वो दिन याद है जब हम छोटे थे तो चना तो उस टाइम पर बहुत महंगा था, तो घर पे बहुत कम आता था क्योंकि गरीबी थी। तो क्या भून के खाते थे, मक्का हुआ, भट्टे हुआ पहाड़ी, और गेहूँ, जी गेहूँ को भून के खाने में बहुत मज़ा आता है, और साथ में गुड़ को मिलाकर इतना खाते थे। अभी चना खा रहा हूँ तो तुरंत याद आ गया वो दिन, और उस टाइम पे इस तरह का खाना लोग खाते थे और बहुत मजबूत होता था, मोटा अनाज। और जिसने बचपन में ना गेहूँ भूनकर खा रहा हो, गेहूँ भूनकर खाजा बोलते हैं, और भट्टे चना भूनकर, मक्का भूनकर, कमेंट कीजिए और स्वाद बताइए उस टाइम पे। आज तो अब बहुत कम हो गया, बहुत कम लोग खाते हैं ऐसा, स्वाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता था। और ये चीज़ें भूनने के बाद ना घर पे हमारी माता जी भूनते थे, भूनने के बाद हम जेब में डाला करते थे, पॉकेट में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा खाते थे, खेलते खेलते थोड़ा थोड़ा खाते थे इस तरह से। और चना मक्का ये गेहूँ भूनकर अगर खा रहे हैं ना इसलिए भी अच्छा है, बहुत मजबूत और फ़ायदा ताकतवर चीज़ है, तो बहुत फ़ायदा करता है चीज़ें। और भाई नए व्यूवर्स है ना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों में ऐसे ऐसी जगह घुमाने ले जाऊंगा ना, क्योंकि मैं अपने अस्पताल के लिए मार्केटिंग का काम करता हूं, तो मेरे को गली नुक्कड़ गांव शहर कस्बा पहाड़ से लेकर तराई क्षेत्र तक सभी जगह जाता हूं मैं,
और आप लोगों को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो देखने का मौका मिलेगा, नई नई जगह, नए नए लोग। और हाँ, कोई पुराना से पुराना अगर रोगी बीमारी से पीड़ित है जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है तो कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अस्पताल है। जैसा मर्जी रोग हो, वे परमानेंट गारंटी से ठीक करते हैं हमारे जो डॉक्टर हैं। तो मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर है, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, 7827503725। मेरा नाम डेविड है और मैं उत्तराखंड चंपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ, इंडिया में। और मुझे अगर कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला है। अगर नेपाल के हैं, नेपाल के पहाड़ के हो या तराई क्षेत्र हो, कहीं के भी कॉल कर सकते हैं। और इंडिया के पहाड़ के हो या तराई क्षेत्र के, तो भी कॉल कर सकते हैं। सर से लेकर पांव तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जैसा मर्जी बीमारी हो, बाकी भगवान करे या कोई बीमार ना हो, शरीर है, कब क्या हो जाए किसका पता नहीं, कभी भी दुख तकलीफ होता है कॉल करें मेरे को। और मेरी वीडियो को यार इन्जॉय करते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और भाई इस तरह से चना खाते रहिए, चना खा खा के घोड़ा बन जाइए, और मक्का खाइए भून कर, भट्ट पहाड़ी हैं तो। और हाँ, गेहूँ भी खाने का मन कर रहा है, एक दिन मैं भून के खाऊंगा पक्का। आप चला गया, एक चना गिरा था। तो भाई अपना ख्याल रखिए सब लोग अपना, और शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।